हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। दरअसल शुक्रवार को एक नई फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में तिलहन की फसल को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार किसान और किसानी को लगातार बढ़ावा दे रही है, ताकि प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत की, जिसके तहत दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए शुरू की नई योजना। बाजरे की जगह दलहन और तिलहन की फसलों को मिलेगा बढ़ावा। दक्षिण हरियाणा के बाजरा बाहुल्य 7 जिलों में तिलहन की मिलेगा बढ़ावा। भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, झज्जर, हिसार और नूह जिले को मिलेगा बढ़ावा। सरकार दलहनी और तिलहनी फसल क्षेत्र को बढ़ाने पर दे रही है जोर। 1,00,000 एकड़ क्षेत्र में दलहन तिलहन फसल को बढ़ावा देने का रखा गया लक्ष्य। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार दलहन और तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। मुख्य सचिव ने ये भी बताया कि इस योजना के तहत दलहनी फसलों में मूंग, अरहर, उड़द को साथ तिलहनी फसलों में अरंड, मूंगफली और तिल की फसलें भी शामिल है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा और सत्यापन के बाद सहायता राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग दलहनी और तिलहनी फसल क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दे रही है, साथ ही किसानों को फसल की नई किस्मों और आधुनिक तकनीक जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ ही दाल वाली फसलें मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है और हवा की नाइट्रोजन को सोखकर जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और जिसमें किसानों को खेत में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। वहीं तिलहन वाली फसलों को बढ़ावा देने से देश में खाद्य तेल की कमी को भी पूरा करने में भी सहयोग मिलेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।